बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर महू स्थित उनकी जन्म स्थली पर देश और दुनिया से अनुयायी पहुंचे हैं, जहां इनमें बाबा साहब अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंत अंबेडकर भी शामिल रहे। यशवंत ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनग्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बाबा साहब से जुड़ी यादों को ताजा किया। देखिए ये खास बातचीत। हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पोते हैं, भीमराव यशवंत अंबेडकर जी। सर, कैसा लग रहा है बाबा साहब की जन्मस्थली पर आकर, कैसा अनुभव कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती पर मैं सारे लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को धन्यवाद और हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 4 सालों से मैं यहाँ आता हूँ कोरोना की महामारी छोड़ने के बाद, और देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग महू में आ रहे हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। हर समय ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ये संख्या बढ़ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोग आते हैं, उस तरीके से आज यहाँ होता है। मैं अपील करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की जो बाबा साहब को मानने वाली जनता है, वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, बुद्धिस्ट लोग है, कि बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लाखों की संख्या से आ जाओ। मुझे ये भी दिखा कि रात को मैं यहाँ आया था तो काफ़ी दिक्कतें यहाँ हुई। यहाँ के प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूँ, जगह की कमी होने के कारण नियोजन अच्छा होना चाहिए। लोग आए, लोग निकल जाए, ऐसे पैंडॉल खड़ा करने से लोग स्टॉपेज होता है, एक भगदड़ मच सकती है, स्टैम्पेड हो सकता है। भाई, ये धोखा मुझे रात को देखा, इसके लिए आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से प्रशासन को बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में जो कि अच्छा सा इसका नियोजन होना चाहिए। नियोजन कम पड़ते होंगे तो हमारी समता सैनिक दल जो चैत्य भूमि है, दीक्षा भूमि है, भीमा कोरेगांव है, यहाँ से भी करीब 10 गुना ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ, उसका नियोजन हमारी यह समता सैनिक दल करती है। तो आगे जो निगम को जो जरूर पड़ेगी तो हमारी समता सैनिक दल अच्छा नियोजन कर सकती है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के वंशज हैं आप, कितना गौरवान्वित करता है ये पल, कितना गर्व का विषय आपके लिए होता है बाबा साहब के वंशज होने के नाते, क्या संदेश? बराबर है, मैं बाबा साहब का नाती हूँ, मेरा भी नाम भीमराव है, गौरवान्वित तो करता हूँ मैं, लेकिन भाई एक कांटे की टक्कर है भाई। मुकुट जो है बाबा साहब का नाम का जो सर पर चढ़ाएला है वो कांटे का है। मेरे को सही रास्ते से बाबा साहब के विचारों पर, बाबा साहब की संस्था लेके मुझे चलना है, दूसरों के जैसा नहीं है। इसके लिए बहुत जवाबदारी से मुझे काम करना पड़ता है। जहाँ जहाँ बाबा साहब गए, जहाँ जहाँ बाबा साहब के स्मारक है, वहाँ मैं हर समय मैं जाते रहता हूँ। समता सैनिक दल, क्या लगता है इसकी क्या भूमिका आप देखते हैं आज राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में समता सैनिक दल? ये बाबा साहब का पहला ये दल है, बाबा साहब का समता सैनिक दल उन्होंने स्थापित किया हुआ है। 1927 का इसका दल की निर्मिति है, जब माड़ का चौदार तले में बाबा साहब ने पानी प्रशासन करने के लिए गए, उसमें मालूम था कि स्पृश्य लोग, जो जनरल कैटेगरी के लोग, ये हमारे पर हल्ला करेंगे, इसके लिए समता सैनिक दल की निर्मिति की थी। निर्मिति इसके लिए की थी उन लोग पर अटैक करने के लिए नहीं, तो हमारे समाज के बांधवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समता सैनिक दल किए थे। और उस समय समता सैनिक दल के जो जवान थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सैनिक किया करते थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिटायर्ड हुए थे वो समता सैनिक दल के सिपाही थे। आज वही प्रिंसिपल लेके, वही ध्येय धोरण लेके हमने समता सैनिक दल निर्माण किया है, समता प्रस्थापित करने के लिए, किसी को असल किवा किसी को मार देने के लिए ये समता सैनिक दल नहीं, तो ये समते का मार्ग बताने वाले समता सैनिक दल है। चुनावी साल है, कोई मांग करेंगे, कोई ऐसी मांग आपको लगता है बाबा साहब की जन्मस्थली से? चुनावी साल है, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है विधानसभा, आने वाले समय में 2024 को और मध्य प्रदेश के नवंबर दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। इतना ही संदेश यहाँ के लोगों को देने चाहता हूँ भाई। आज देश में देखा जाए तो दो गुट में बटे हुए हैं,
एक संविधान को मानने वाला गुट है, दूसरा संविधान विरोधी गुट है जो आज सत्ते में बैठे हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, ओबीसी है, आदिवासी है, भाई संविधान के साथ जो पार्टी खड़ी होगी उसके साथ भाई वोटिंग करना पड़ेगा। राजनीति बदलाव हमें अपेक्षित है 2024 में, क्योंकि संविधान की छेड़छाड़ बहुत हुई है। जो भी है सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी जो दस्तावेज है वो अभी बेचे जा रहे हैं। इसके लिए हमारे आने वाली पीढ़ी को, नस्ले को सुरक्षित रखना है तो संविधान को मानने वाले पार्टी को हमें केंद्र में और राज्य में बिठाना पड़ेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। देख सकते हैं आप यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ पर नाती है, उनका नाम भी भीमराव है, अपनी बात कहना चाह रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मारक स्थली पर आए हैं समता सैनिक दल के जवानों के साथ, उन्होंने अपनी हाजिरी यहाँ पर बाबा साहब की जन्मस्थली पर दी है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News, महू।